हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष, वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज का जो आप प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ की पहली न्यूज़ है, इसमें देखेंगे कि बात की जा रही है सलाइवा डायरेक्ट। ये एक तरीके का नया टेस्ट मेथड है जिससे कि सार्स यूवी टू के वायरस का एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा। अभी जो नॉर्मली मेथड आप देखेंगे यूज़ करते हुए, नॉर्मली जो नोज़ के जो ये छेद होते हैं उसके अंदर एक नीडल टाइप की डाली जाती है, उसमें रुई लगी होती है, उससे सैंपल्स लिए जाते हैं। थ्रोट में भी वैसे ही डाला जाता है, उसके बाद सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि सिंपली आप अपने थूक का एक नमूना दे देंगे एक डिब्बी में और सिंपली उससे टेस्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखेंगे एक येल यूनिवर्सिटी और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो USA का है, उसके जो वहाँ पर टेस्ट लगभग 94% उसमें सेंसिटिविटी पाई गई कि जो इसमें जो पॉजिटिव्स थे उसकी जो एक मतलब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे, एग्जैक्ट बारे में पता चलता है कि हाँ ये बंदा पॉजिटिव है या नहीं। अभी क्योंकि आप देखेंगे जो थ्रोट वाला टेस्ट होता है, थ्रोट और नोज़ वाला टेस्ट में, इसमें कई बार आपको डिसफंक्शनल देखने को मिलेगा, कई बार एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इस जो पूरा प्रोसीजर है इसमें सिंपली जो सलाइवा सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें प्रोटीनेज के ट्रीटमेंट के हिसाब से हीट इनएक्टिवेशन के मेथड से और RT-PCR वायरस डिटेक्शन किया जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रोसेस होगी जिससे कि ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका जो प्रॉपरली एक टेस्टिंग होती रहे, जिससे कि उनके जो COVID-19 को जो प्रोन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उनको COVID-19 होने की जो संभावना होती है, जल्दी जल्दी टेस्ट होंगे तो पता चल पाएगा कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। साथ ही आप देखेंगे इस पूरे टेस्ट के लिए कोई भी स्किल्ड जो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली कोई भी स्पिट करके जो है ये टेस्ट अपना करवा सकता है। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डी जो डे। अभी आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी जो है हमारी पुडुचेरी, उसने सेलिब्रेट की है अपनी 59th एनिवर्सरी एज अ डी जो डे, क्योंकि इस दिन जो है एक लीगल मर्जर हुआ था, मतलब ऑफिशियली जो पौंडीचेरी जो फ्रेंच कॉलोनी के अंडर में थी उसे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। 16 अगस्त के दिन ये मर्जर देखने को मिला था पुडुचेरी का विथ यूनियन ऑफ इंडिया, जब फ्रेंच पार्लियामेंट इन 1962 ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। एक रेफरेंडम हुआ था पुडुचेरी के अंदर में, जो कि अक्टूबर 18, 1954 में कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो फ्रेंच रिजीम है वो मर्ज करेगी ये जो पुडुचेरी का एरिया है वो इंडियन यूनियन के साथ में। लेजिस्लेटर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने वोट किया था इन फेवर ऑफ मर्जिंग विथ इंडियन यूनियन। ये रेफरेंडम क्या होता है, बेसिकली रेफरेंडम एक तरीके का आप देखेंगे पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफरेंडम एक तरीके का अपनी सरकार चुनने का या अपनी बात को सही तरीके से रखने का एक तरीका होता है, जिसमें वोटिंग कराई जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके हिसाब से यस और नो में आंसर देना होता है। तो जो लोग ज़्यादा यस में आंसर देते हैं तो वही चीज़ सही मान ली जाती है। रेफरेंडम जो है लिया गया था केहजूर विलेज नियर विलानौर एंड मार्क द ओकेजन ऑफ मेमोरियल वॉज बिल्ट ऑन दिस लोकेशन, और इस जब विलानौर जो विलेज है यहाँ पर ये रेफरेंडम किया गया था, तो इसे एज अ मेमोरियल ओकेजन यहाँ पे जो माला देखिए आप देखेंगे पुडुचेरी के जो CM है वो इनको माला चढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ बात की जा रही है सृजन एक नया ऑनलाइन पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दायरे में काम करता है। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वेंडर्स को, जो कि आइटम्स जो कि जैसे कि इंडिजनाइजेशन, मतलब इंडिया के ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिया के ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही सारी चीज़ें करने की बात की जा रही है। इसमें आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट के तहत इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की बात की जा रही है। डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं DPSUs ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ये सब अपनी विल पुट आउट देयर इम्पोर्ट लिस्ट आइटम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री कैन डिज़ाइन, ये सब वो चीज़ें अपनी एक उसकी लिस्ट निकालेंगे जो इंडिया में ही डेवलप करी जा सकती है और मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है एज़ पर देयर कैपेबिलिटी। क्योंकि हमें अब आने वाले टाइम में कम से कम अपना जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं उसे घटाना है, जिससे कि हमारा जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके, हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है वो बूस्ट हो सके, आत्मनिर्भर
खुद से हम बन सकें। इंडियन इंडस्ट्री जो है ये डेवलप करेगी, ये जो अपना काम जो होगा वो करे जाएगा। इसमें जॉइंट वेंचर के तहत OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंडिजिनसली, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप डिफेंस से रिलेटेड हो गया, MSME से रिलेटेड हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस और जो इंटरनल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं, सृजन। फिर यहाँ पे बात की जा रही है नवरोज। नवरोज एक तरीके का पारसी फेस्टिवल है, जब न्यू ईयर नवरोज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इससे आप जो पारसी लोग होते हैं, इसे नया साल एक तरीके से आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। न्यू नवरोज वाले दिन पारसी कम्युनिटी जो है, ये जो रिलीजन है ज़ोरास्ट्रियंस, इनके इसको फाउंड किया गया था ज़राथुस्त्रा इन पर्शिया के अंदर ये रिलीजन फाउंड किया गया था। इसका ये कैलेंडर जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किंग जमशेद के द्वारा, जो कि आप देखेंगे सो न्यू पारसी ईयर इज़ नोन एज जमशेद नवरोज। तो जमशेद किंग जो थे उनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं जमशेद नवरोज। आप देखेंगे 2016 के अंदर यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्लूड किया नवरोज एज एन इनटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स फोकस शॉर्ट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि नवरोज को इंडिया जो इनटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था अलॉन्ग विथ योगा इन सेम ईयर। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं नवरोज के बारे में, कि नवरोज इनटेंजिबल लिस्ट में है या नहीं, तो येस इट इज़। फिर यहाँ पे बात की जा रही है साराभाई सेंटर। साराभाई सेंटर के जो सेंटेनरी 100 साल पूरे होने पे एक सेलिब्रेशन के तौर पर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के, आप बोल सकते हैं इसरो की इन्होंने नींव रखी थी, इनके नाम से इमेजेस रिलीज़ करी गई। साराभाई जो कार्टर है मून के अंदर, इसके लिए आप देखेंगे जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा जो ऑर्बिटर था वो उसके द्वारा कैप्चर की गई थी। इस क्रेटर को नाम दिया जा रहा है साराभाई क्रेटर, तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। इसे आप देखेंगे तो लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पे है ये साराभाई क्रेटर, जहाँ पे जो लैंडिंग साइट थी अपोलो 17 एंड लूना 21 मिशंस की जो साइट थी, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे ये क्रेटर है। जो साराभाई के, डॉक्टर साराभाई के बारे में अगर बात करें तो इन्हें माना जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इस्टेब्लिश्ड INCOSPAR इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनके जो आप देखेंगे ये एक तरीके के, मैंने जैसे आपको बताया इसरो के एक तरीके से कर्ता धरता थे, इन्होंने बेस फाउंडेशन रखा इसरो का। इन्होंने इस्टेब्लिश की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जिसे PRL बोलते हैं, अपने घर पे इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था अहमदाबाद के अंदर, जिससे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को जहाँ पे सेटअप किया गया। फिर बाद में अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन डेवलप करी गई। ये अगर आप देखेंगे ही वॉज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इन्होंने भारत की पहली जो सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसको डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने लॉन्च किया था, दैट वॉज जो लॉन्च फ्रॉम रशियन स्पेस पोर्ट इन 1975। जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई थी रशियन स्पेस पोर्ट इन 1975। तो ये था दोस्तों आज का टोटल शॉर्ट न्यूज़ वाला लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको फ्री में अगर PDF डाउनलोड करती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। जय हिंद।